हेलो एवरीवन, कस्तूरबा विद्यालय शिक्षक भर्ती का एक नया विज्ञापन जारी हुआ है, जहां पर चयन जो है वो बिल्कुल सीधे मेरिट के आधार पर रहेगा। आपका एग्जाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं रहेगा। यहां पर आपकी क्वालिफिकेशन में जितने भी मार्क्स हैं उसके आधार पर मेरिट निकलेगी और यहां चयन किया जाएगा। सैलरी यहां पर प्रति माह 22,000 सैलरी पूर्णकालिक शिक्षिका को यहां मिलेगी। कस्तूरबा विद्यालय एक बालिका विद्यालय है, तो केवल महिला कैंडिडेट ही आवेदन कर पाएंगी। 25 से 45 साल जो है यहाँ उम्र रखी गई है, कोई फीस नहीं लगेगी, आवेदन बिल्कुल स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिए विज्ञप्ति जो है वो देख लेते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी है। तो यहाँ अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत की वैकेंसी है, फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी है, सहायक रसोईया पूर्णकालिक जो है यहाँ पर वैकेंसी है। पूर्णकालिक शिक्षिका जो है यहाँ पर सैलरी 22,000 पर मंथ दी जाएगी और सभी में आप देख सकते हैं एक एक जो है यहाँ पर पदों की संख्या है, ठीक है। अंशकालिक शिक्षिका को जो है 9,800 यहाँ पर मंथ मिलेंगे, सहायक रसोईया को 9,175 रुपये यहाँ पर मिलेगी। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, तो अगर आप अंग्रेजी के लिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो स्नातक और उच्च प्राथमिक स्तर की टेट के साथ, यानी जो है मैं आपको बताऊँ यहाँ ग्रेजुएशन के साथ में आपके पास जो है CTET Paper 2 या UP TET Paper 2 क्वालिफाई होना चाहिए। यदि आप हिंदी संस्कृत के लिए अप्लाई करते हैं तो हिंदी संस्कृत में भी जो है आपके पास जो है स्नातक और साथ में आपके पास CTET Paper 2 या फिर UP TET Paper 2 जो है क्वालिफाई होना जरूरी है। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो BPED, CPED या DPED आदि, और टेट जो है यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए बिल्कुल अनिवार्य नहीं है। सहायक रसोईया में जो है वो केवल 8th पास स्टूडेंट ही जो है अप्लाई कर सकते हैं, केवल महिला उम्मीदवार ही यहाँ आवेदन कर सकती है। 20 नवंबर 2023 5 बजे तक जो है आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म साथ में उसके डॉक्यूमेंट पहुंच जाने चाहिए शाम 5 बजे तक। रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट ही जो है केवल आपको करनी होगी। एड्रेस जो है ये रहेगा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात उत्तर प्रदेश से यह वैकेंसी है। 25 से लेकर 45 वर्ष जो है यहाँ पर उम्र रखी गई है, चयन सीधे मेरिट के आधार पर जो है किया जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर जो है इंटरव्यू नहीं रहता है, बट अगर कैंडिडेट ज्यादा हो जाते हैं तो इंटरव्यू भी जो है होना संभव है। यहाँ पर लिखा है कि एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन करने पर सभी आवेदन पत्र जो है निरस्त कर दिए जाएंगे, यानी केवल एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। एक ही सब्जेक्ट के लिए आप एक आवेदन करें, ठीक है, अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट के लिए आवेदन करना है तो उसके लिए जो है अलग आपके पास जो है एनवलप होना चाहिए और अलग ही जो है आवेदन पत्र होना चाहिए। यहाँ लिखा है आवेदन पत्र पंजीकृत डाक के माध्यम से, यानी रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट ही करना है, सिंपल पोस्ट नहीं चलेगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात अकबरपुर माती रोड, पिन कोड, ये पिन कोड भी जो है दिया हुआ है ये भी आप डालें लिफाफे के ऊपर। दिनांक 2 नवंबर विज्ञप्ति जारी हुई है, 2 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक चलेंगे, शाम 5 बजे तक जो है। नियत तिथि और समय के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र जो है अपूर्ण, अस्पष्ट हो जाएंगे और उनको अमान्य कर दिया जाएगा, तो समय से पहले आप लोगों को आवेदन कर देना है, ठीक है। तो ये पूरा जो है विज्ञापन है। लास्ट में आप देखेंगे 4 पेजों की पीडीएफ फाइल में 4th जो पेज है उस पर आवेदन पत्र का प्रारूप दिया हुआ है। इसे सबसे पहले आप लोग, लिंक में आप लोगों को शेयर करूंगी, तो इसे आप लोग डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद फिल करना है और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट के साथ में लिफाफे के अंदर रख के फोटोग्राफ को चिपका के और फिर आप लोगों को दिए गए एड्रेस पर जो है भेज देना है, ठीक है। एड्रेस जो है वो बिल्कुल मैंने आप लोगों को बता दिया, दोबारा से बता देती हूँ। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात अकबरपुर माती रोड, पिन कोड 209101। तो ये जो है कानपुर देहात उत्तर प्रदेश सरकार मेन वेबसाइट है। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर ही आपको दिखेगा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय अमरोदा पूर्णकालिक संविदा आधारित शिक्षिका या शिक्षणेतर कर्मियों के लिए आवेदन, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करते हैं आपके सामने ये पेज ओपन होगा, यहाँ पर आप लोगों को आवेदन ये जो है PDF है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है पूरा विज्ञापन आपके सामने होगा। ऑल स्टेट जो है यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, यदि आपने CTET क्लियर किया है तो बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।